पाकिस्तान के सीनियर और नामवर अदाकार मोहम्मद नूरुल हसन का तारीखी ड्रामे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का किरदार सामने आ गया। अब तक मोहम्मद नूरुल हसन वाहिद पाकिस्तानी अदाकार हैं जिनका सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी में किरदार सामने आया है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के तुर्क जबान के जारी किए गए ट्रेलर में मोहम्मद नूरुल हसन के किरदार की झलकियां दिखाई गईं। नूरुल हसन ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी में इस्लामी मुबल्लिग स्कॉलर रूहानी शख्सियत हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी का किरदार अदा किया है। मुख्तसर दौरानिये के तुर्क जबान में जारी किए गए ट्रेलर में नूरुल हसन को अब्दुल कादिर जिलानी के किरदार में दिखाया गया है। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी का किरदार मस्कूरा ड्रामे में मुख्तसर होने की उम्मीद है, मगर इनका किरदार इंतहाई अहम और रूहानी है जो कि मरकजी किरदार सलाहुद्दीन अय्यूबी की रहनुमाई करता दिखाई देगा। यहाँ ये बात भी वाज रहे कि ड्रामे में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का मरकजी किरदार अगूर गुनेश ने अदा किया है, जबकि ड्रामे के ज़्यादातर तमाम मरकजी किरदार तुर्क अदाकारों ने अदा किए हैं। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी की शख्सियत इस्लामी तालीमात के हवाले से दुनिया भर में मशहूर है। वो ईरान के शहर जिलान या गिलान में पैदा हुए थे और इसी वजह से इनके नाम के आखिर में जिलानी लिखा जाता है। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी ने सलाहुद्दीन अय्यूबी समेत अपने वक्त के दीगर मुस्लिम सिपा सलारों को रहनुमाई भी दी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामे को पाकिस्तान में भी रवां माह मई से उर्दू जबान में हम टीवी पर नशर किया जा रहा है, जबकि गुज़श्ता बरस के अख्तिताम से इसे तुर्किया में तुर्क जबान में नशर किया जा रहा है।